संविधान दिवस घोषित किया गया, ये एक ऐतिहासिक कार्य था। दो दिन तक लगातार पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब के बारे में परिचर्चा हुई, उसके बाद बाबा साहब की स्मृति में जुड़े हुए जो पंच तीर्थ, चाहे वो 26 अलीपुर रोड रहा हो, चैत्य भूमि रही हो, महू रहा हो, और दिल्ली का जनपद में डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान रहा हो, या लंदन में बाबा साहब का निवास रहा हो, उनको भव्यकरण कराने का नाम जब मोदी सरकार ने निर्णय लिया तो उन्होंने एक ही बात कही कि राजकुमार, हमने हमारे समाज ने जिसको अपना अगुआ माना, जिनसे उम्मीदें की, शायद वो अपनी आकांक्षाओं पे, अपनी इच्छाओं पे खड़े नहीं उतरे, लेकिन इस लड़के से तो हमने कभी ऐसी इच्छा या उम्मीद भी नहीं की। मैंने कहा, बंदे किस लड़के की बात कर रहे हैं, जब मैं मोदी की बात कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे समाज ने, इस दलित वंचित उपेक्षित समाज ने यह अपेक्षा नहीं की थी कि बाबा साहब के नाम पे इतना बड़ा सम्मान करने का काम करेगा, क्योंकि ये दलित वर्ग वो मेहनत का श्लोक है, इसको पेट की भूख नहीं है, इसे पैसा नहीं चाहिए, धरती का सीना फाड़ करके ये सोना पैदा करने की ताकत रखता है, इसको अगर कोई चाहिए तो सिर्फ सम्मान चाहिए, और वो सम्मान नरेंद्र मोदी ने देने का काम किया है। और मैं चाहता हूँ अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कि नरेंद्र मोदी जी को भी ऐसी धरोहर दे करके जाऊं। हुआ ये, क्योंकि मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा, हुआ ये कि अचानक वो 23 जनवरी को हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उनको कैंसर डिक्लेयर कर दिया गया, और डॉक्टर गायपेरी ने कहा कि भंते, आपको कैंसर डिक्लेयर कर दिया गया है, आप हॉस्पिटल छोड़ करके नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर, कैंसर जैसी बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरे पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है। अपना झोला उठाया, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए चाइना गए, और आने के बाद उन्होंने धम्म चेतना यात्रा का शुरुआत की, और धम्म चेतना यात्रा 6 महीने तक निकली, और 6 महीने का परिणाम यह हुआ, जो उनका कथन था वो कह करके उन्होंने बनाने का काम किया।